गुड मॉर्निंग एवरीवन, हियर दिस इज मयंक विद यू गाइस विद द चैप्टर ऑफ प्रोनाउन। द चैप्टर ऑफ प्रोनाउन डियर वंस, इन द प्रीवियस क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन्ड डेफिनेशन एंड सम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। इन दिस क्लास आई एम गोना फर्दर एक्सटेंड दैट लेसन एंड एक्सप्लेनिंग यू द फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Pronouns that reflect upon the subject. Pronouns, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूं, फिर मैं क्लियर करूंगा। Pronouns that reflect upon the subject. Reflexive pronoun. वैसे pronoun जो subject के बारे में ही बनाते हैं, खुद सब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एग्जांपल से क्लियर होगा। ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल रनिंग। ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल रनिंग, यहां पे उसने खुद को, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, खुद को चोटिल कर लिया, हर्ट कर लिया दौड़ते समय, वाइल रनिंग। दिस हिमसेल्फ विल बी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू पर्सन वेरी करते हैं। मैं आपको एक लिस्ट बताता हूं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पर्सन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो वेरी करते हैं। उन्होंने पढ़ा प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर एंड वी प्लूरल, सेकेंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही शी, एक सिंगुलर एंड दे प्लूरल। इसका जो रिफ्लेक्सिव फॉर्म होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड नंबर। ठीक है, तो सिंगुलर में हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा और प्लूरल में देखते हैं क्या होगा। इन सिंगुलर फर्स्ट पर्सन आई के लिए हो जाएगा माई सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, या यू के लिए सिंगुलर में होगा योर सेल्फ और योर सेल्फ। ठीक है, ही के लिए हिम सेल्फ, हर के लिए हर सेल्फ और इक के लिए इक सेल्फ। वही प्लूरल दे में हो जाएगा ये देम सेल्फ। दीज आर द रिफ्लेक्सिव फॉर्म्स ऑफ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अकॉर्डिंग टू दिस वी विल पुट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सिक्स टाइप ऑफ प्रोनाउन, दैट इज सिक्स टाइप ऑफ प्रोनाउन इज इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन नाम से क्लियर है। इम्फैटिक दैट इज पुटिंग इम्फेसिस, दैट इज प्रेशर, जोर देना उसको। ठीक है, इम्फैटिक सेम एज टू एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेम एज टू एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही है, बट द सिंगल डिफरेंस इज दैट इन दिस सेंटेंस वी पुट इम्फेसिस ऑन द सेंटेंस, ऑन द प्रोनाउन। देखिए इसका एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। You, yourself, you, yourself cooked the meat. एक हम लोग अगर इस सेंटेंस को तुमने खुद से अपना खाना बनाया है, ये इम्फैटिक है, तो इसलिए हम लोगों ने इसको इस तरीके से बोला है। अगर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बोलना होता तो हम लोग बोलते हैं तुमने अपना खाना खुद से बनाया है, तो इसमें हम लोगों ने खुद से पे ज्यादा जोर नहीं किया। लेकिन यहां पर हम लोग ज्यादा जोर दे रहे हैं योरसेल्फ पे। यू योरसेल्फ कुक्ड द मील। ठीक है, दिस इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, द फॉर्म्स ऑफ इम्फैटिक प्रोनाउन जी और फॉर्म मैंने बनाया था फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विल बी सेम इन इम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर है? दिस इज अ रिफ्लेक्सिव एंड इम्फैटिक प्रोनाउन फॉर टुडेज क्लास। इन नेक्स्ट क्लास आई एम गोना एक्सप्लेन फर्दर टाइप्स। Till then, stay in home, stay safe, thank you.